हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता और स्वागत है आपका कलाकारी हब में। तो फ्रेंड्स, आज का DIY बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर एक ग्लास जार। ये अधिकतर किचन में हमारे मिल ही जाते हैं और इसमें थोड़ा सा ना क्रैक हो गया है, तो पहले तो मैं इसको किचन में यूज़ कर रही थी बट अब यूज़ नहीं कर सकते किचन में। तो चलिए इससे बनाते हैं एक ब्यूटीफुल सा DIY। उसके लिए मैंने ये लिया है एक्रेलिक कलर और एक स्पॉन्ज का टुकड़ा, जिससे मैं डैब डैब करते हुए पूरे ग्लास जार को कलर कर लूँगी इस तरीके से। ऊपर का हिस्सा आप छोड़ दें, बस नीचे नीचे पर करें इस तरीके से, कलर आप कर लें। बहुत हल्के हाथ से डैबिंग करें, ज़्यादा प्रेशर ना दें। और चलिए अभी इसको कलर को हम सूखने देते हैं। कलर के सूखने के बाद देखना आप, इस ग्लास जार में जो क्रैक थे वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। ये देखिए कलर सूख गया है और कोई क्रैक भी नहीं दिख रहा। आप कलर कोई और भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी हम बनाते हैं इस पर थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन। उसके लिए मैंने ये वाइट एक्रेलिक कलर लिया है, तो आप कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी पसंद से और कोई और भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा एक डिज़ाइन लिया है और रैंडमली बना रही हूँ उसको मैं। आप ये भी चूज़ कर सकते हैं या अपनी पसंद से कुछ और भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने पूरे इसको पेंट कर लूँगी, पूरे ग्लास जार को चारों तरफ से। अच्छा फ्रेंड्स, आज का जो ये मैं DIY बना रही हूँ, इसको आप मल्टीपर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लावर वास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पेन होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, या किचन में आप अपने स्पून्स वगैरह या नाइफ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पेंटिंग भी फिनिश हो गई है और इसको अभी हम सूखने देते हैं। तो ये देखिए सूखने गया हमारा कलर, और अभी हम एक ये जूट रोप लेंगे और जो हमारे ग्लास जार का ऊपर का हिस्सा है इसको इससे कवर कर देंगे। आप जूट रोप कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कवर करना है, तो उसके लिए हमने ये ग्लू गन ली है और आप फेविकोल से भी इसको स्टिक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, या कोई और भी ग्लू हो आपके पास वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ग्लास जार के पूरे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम कवर कर देंगे। ये देखिए कवर हो गया है ऊपर का हिस्सा। और चलिए और अभी हम इसमें फ्लावर लगा देंगे और हमारा फ्लावर वास बनकर बिल्कुल रेडी है। चलिए देखते हैं इसका फाइनल रिव्यू। फ्रेंड्स, अगर आपको ये DIY पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और भी इंटरेस्टिंग DIYs के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।